वज्रासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविज फिटनेस। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा आसन है जिसको हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं? जी हाँ, वज्रासन। तो आज हम वज्रासन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप वज्रासन को कर सकते हैं, और यही एक आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना मैट लीजिए, अपने पैरों को इस तरह से फैलाते हुए पहले इस स्थिति में, मतलब दंड स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे की तरफ। अब एक एक करके अपने पैरों को पीछे की ओर लाइए, एक बार राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग। पोस्चर देखेंगे कि आपके जो टोज हैं एक दूसरे से मिले हुए हों, या एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हो। आपके जो हील्स हैं ये आपके खुले हुए होने चाहिए, आपको हील्स के ऊपर बैठना नहीं है, ये रॉन्ग है। आपको हील्स इस तरह से खोलते हुए आपके हिप बिल्कुल इस तरह से टिकाने हैं अपनी हील्स के अंदर। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आपकी जो बैक है उसको ज़्यादा आगे की तरफ स्ट्रेच नहीं, ये आपको पीछे की तरफ इस तरह से, मतलब आपके जो हिप हैं उनको अंदर की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथ घुटनों की तरफ रखने हैं। सामने की ओर देखना है, आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास पर ध्यान रखते हुए अंदर और बाहर। कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है एक्सरसाइज को करने में, स्टमक को अंदर बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ बैठना है इस मुद्रा में। इस मुद्रा में जब आप बैठते हैं, ये वज्रासन, ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। जब भी आप कुछ खाते हैं आपकी जो पाचन क्रिया है उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। आप खाने के बाद इस आसन को कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि अगर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ टीवी वगैरह, तो वो बंद कर दें और ध्यान इस आसन में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिनको क्रॉस लेग, मतलब कि पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाने में दिक्कत होती है, वज्रासन में बैठकर भी वो ध्यान या प्राणायाम के कोई भी क्रिया कर सकते हैं। वज्रासन आपका मोटापा कम करता है, मतलब आपकी जो स्टमक है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। आप खाना खाने के बाद करेंगे तो आपकी जो स्टमक है वो अंदर ही रहेगी। बाकी आपकी ये नीज और आपकी थाइस को काफ़ी मजबूत करता है, हिप को मजबूत करता है, आपकी जो एड़ियाँ हैं उनको मजबूत करता है, मतलब पूरे लेग के लिए काफ़ी अच्छा आसन है, मजबूती बढ़ाता है आपकी लोअर बॉडी के लिए। ये जो आसन है आपके हर्निया जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, आत्मविश्वास जगाता है और आपके पोस्चर को भी काफ़ी करेक्ट करता है। अवॉइड, आपको ये आसन कब नहीं करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए? आपको जिनको नी की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, या आपकी कोई इंजरी है, हिप इंजरी है, लेग में कोई प्रॉब्लम है, तब ये आसन नहीं करना है, तब ये आसन बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर आपको ज़्यादा बैक पेन है तो अपनी स्पाइन को ज़्यादा तन के नहीं बैठना है, हल्का सा आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी स्पाइन को एकदम करेक्ट, एकदम सीधा रखना है, थोड़ा सा रिलैक्स होके या पीछे सहारा लेकर, या फिर आप नीचे आप तकिया भी रख सकते हैं अपने पिलो, अपने हिप के नीचे रखकर, तब भी आपको इससे काफ़ी आराम मिलेगा। ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी एड़ियों में दर्द है तब भी ये आसन आपको अवॉइड करना है, टो में या फिर पैर में कोई इंजरी है तब भी अवॉइड करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप इस आसन को करेंगे तो आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।